नमस्कार, यस टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वक्त है साहा से आ रही एक बड़ी खबर का। साहा इंडस्ट्रियल एरिया में देसी शराब बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी गई है। पुलिस, आबकारी एवं कराधान विभाग ने दबिश देकर इस अवैध शराब फैक्ट्री से कई हजारों लीटर शराब, उसे बनाने का कच्चा माल और हजारों शराब की बोतलें बरामद की है। पुलिस और एक्साइज विभाग वाले कार्यवाही में जुट गए हैं। हाँ जी सर, कितनी बोतल जो है वो पकड़ी गई है शराब की? यहाँ पे देसी शराब की पुराने के अवैध फैक्ट्री चल रही थी, इसमें 1145 पेटियाँ बोतल तो रसीला संतरा ब्रांड है वो मिली है और 185 लूज बोतलें मिली हैं। ये सारी पंजाब में बिक्री के लिए फॉर सेलिंग पंजाब है। 535 पेटी पौवा की मिली हैं जो ब्लू लाइन ब्रांड की हैं और ये यूपी में फॉर सेल के लिए जा रही है, मतलब यूपी में सेल के लिए बनाई गई फॉर सेलिंग। तो इसमें हरियाणा का कुछ रेवेन्यू का लॉस हुआ है? नहीं, इसमें कोई भी शराब जो है ना फॉर सेलिंग हरियाणा नहीं है और हमने अभी अपने ठेके कुछ दिनों पहले चेक किए थे तो हमें ऐसा कोई ब्रांड नहीं मिला वहाँ पे। तो उम्मीद ही है कि ये पंजाब और यूपी में ही बिक्री के लिए बनाई जा रही थी, वहीं ली जाएगी। थैंक यू सर। ये थी इस समय की ताज़ा खबर। ऐसी ही खबरों को जानने के लिए देखते रहिए यस टीवी। नमस्कार।